वालेकुम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहां पर हम मौजूद हैं और पाकिस्तान वाले यहां बहुत बड़ा और शो करने का एक पावर शो करने का प्लान है उनका मेरे साथ हमारी साथी नीलम भी यहाँ मौजूद है नदीम साहब ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं इस वक्त कंफ्यूज हूँ क्योंकि नदीम मलिक साहब जैसे सीनियर जर्नलिस्ट के साथ खड़ा होना मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है खुश रहिए ये हम आपको जलसे की कार्रवाई कैसे होनी है क्या इसकी तफसीत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के प्लान्स क्या हैं पीछे जो चेयर्स लगाई गई हैं इंतज़ाम क्या हैं नीलम इससे ज़्यादा जानती हैं इनसे पूछेंगे लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले हम वाघा बॉर्डर गए थे क्योंकि आज इंडिया की तरफ से जो इशतल अंगेजी की गई लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन की गई और दो पाकिस्तानी फौजियों की शहादत हुई नौ जख़्मी है उसके ऊपर पाकिस्तान का रद्द और मुसबत और स्ट्रॉग रद्दमल आना ज़रूरी था न सिर्फ हुकूमत का बल्कि अपोजिशन जमातों की तरफ से तो हमने शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी वो रैलीज कर रहे हैं शहर शे, के अंदर इमरान भी और शाह महमूद कुरैशी भी और बाकी भी तहरीक इंसाफ़ के लोग लेकिन वो हमारे साथ वाघा बॉर्डर पर गए वाघा बॉर्डर के ऊपर वो जो इस वक्त परचम उतारने की तकरीब होती है वो भी हमने कवर की और वहीं से उनका इंटरव्यू भी किया शाह महमूद कुरैशी ने मुक्का लहरा कर इंडिया की तरफ जो चैलेंज किया कि पाकिस्तान की तरफ जो मैली आंख से देखेगा उस मसले के ऊपर पूरी कौम को यकजा पाएगा तो नीलम पहले शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू सुनवाते हैं और फिर हम वापस आएंगे और आपसे अपडेट लेंगे जलसे के हवाले से पहले हम आपको वो इंटरव्यू सुनवाते हैं शाह महमूद कुरैशी इंडिया वाले इशू के ऊपर वाहा बॉडर के ऊपर हमारे साथ क्या बात कर रहे हैं दिखाइएगा जी शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ हैं शाह साहब स्पेशली इस तकरीब में शिरकत के लिए आए हैं और जब इंडिया की तरफ से थ्रेट हो या पाकिस्तान की सलामती को किसी भी जानब से मैली आंख से देखा जाए तो पाकिस्तान की अपोजीशन की तरफ़ से किस किस्म का रद्दअमल होना चाहिए इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि यहाँ से वो जज्बा वो मैसेज जो है लाउड एंड क्लियर जाए पूरी दुनिया को पाकिस्तानी कौम में इस मसले के ऊपर कोई दौरा है नहीं है शाह साहब मैं आपका शुक्र गुजार हूँ कि आप हमारे साथ वाहा बॉडर से इस खसूस गुफ्तू में शामिल हो रहे हैं फरमाइएगा कि बड़ी तनकीद होती है कि अहम इशूज़ हों तो आपोज़िशन एहतजाज कर रही होती है आज तो आप वाहा बॉडर पर अपना एहताज और रैली छोड़ के यहाँ आएँ भलेब पहली बात तो ये है कि भाई आज उन शहदा को खराज तहसीन पेश करने आया हूँ जिन्होंने आज लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहादत का जाम पिया है मुझे फ़ख्र है अपने जवानों पर मुझे फ़ख्र है अपनी अफवाज पर मुझे फ़ख्र है इन पर जो हमारा दिफा करते हैं और इनको पैगाम देने आया हूँ कि इन पूरी कौम इनके साथ मुतहद है हमारे सौ अंदरूनी इख्तलाफ हों जब हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आँख उठाएगा तो हम एक मुट्ठी की तरह ये जेस्टर बहुत अच्छा है एक मुट्ठी की तरह मुतह हो जाएंगे और वो देख लें ये कौम की मुट्ठी एक, कौम है, ले ना एक कौम है ये यार पीछे एक कौम है नरेंद्र मोदी सुन लो अगर तुम समझते हो कि तुम कौम को तकसीम कर सकते हो अगर तुम समझते हो कि तुम पाकिस्तान के पानी को बंद करके हमें बंजर कर सकते हो तो हम तुम्हारा इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबला करना जानते हैं अगर तुम समझते हो कि साग के समिट से तुम उसकी पोस्टपोनमेंट हासिल करके हम पे सफारती दबाव डालोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है हम बिल्कुल तुम्हारी सर्जिकल स्ट्राइक्स का जवाब भी देना चाहते हैं हम अमन पसंद लोग हैं हम जंग नहीं चाहते लेकिन अपना दिफा करना चाहते हैं अपनी ज़मीन का और अपने नज़रिए का और अपने बच्चों का दिफा करेंगे ये सिपाही भी करेंगे और हम इनके शाना बशाना होंगे शाह आज एक इंडियन डी ने तो वो एक इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने दावा किया कि हमने पाकिस्तानी इलाके में सर्जिकल स्ट्राइक की है एल की वॉयेशन हुई थी जिसमें एक पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर कश्मीर में उन्होंने पाकिस्तानी जवानों पर फायर खोला जिसके नतीजे में दो की शहादत हुई है नौ ज़ख़्मी हैं पाकिस्तान ने भी कार्रवाई की है जिसके नतीजे में उनकी सेवरल पोस्ट जो है डिस्ट्रॉय हो गई हैं कम्प्लीटली हमारे पास उनकी वीडियो क्लिप्स भी हैं हमने वो फुटेज हासिल की है ये इश्तल है आपको वो दावत दे रहे हैं कि आप हम पे आएँ हमला करें तो हम कुछ करें इसके ऊपर हमें आप फॉर मिनिस्टर हैं बड़ा तजर्बा है। आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए देखिए हमें बिला वजह मुश्तल नहीं होना हमने हम गैर ज़िम्मेदार कौम नहीं है हमें अपने पर एतमाद है हमें अपनी ताकत पर पूरा एतमाद है हमने बेजा उनके ट्रैप में नहीं आना लेकिन अगर वो समझते हैं कि वो सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे और पाकिस्तान खामोश रहेगा ये बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार होने वाले हैं और ऐसी हिमाकत मुझे यकीन है वो नहीं करेंगे हाँ आज क्या हुआ है लाइन ऑफ़ कंट्रोल की वायलेशन हुई है सीज़ फायर की वाइलेशन हुई है ये सीज़ फायर जो लाइन ऑफ़ कंट्रोल की थी एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान और उसको हिंदुस्तान ने वायलेट किया है और हिंदुस्तान प्रोवोक कर रहा है जो वजीर ख़ारजा की आपने तकरीर अवहद के जनरल असम्बली के अजलास में सुनी और देखी वो तारीख़ को जुटाने के मुतरद थी वो अपने तारीखी पहलू से आँख चुड़ाने के मुतरद थी क्या वो समझते हैं कि इस किस्म की जुमलेबाजी से वो हमें मरूब कर लेंगे हरगज़ नहीं हमने हमेशा दावत दी है कि मेज़ की मेज़ पर बैठ कर मजाकरात के ज़रिए हम मामला को सुलझाना चाहते हैं मैं समझता हूँ कि ये मसला एक मतनाज़ा कश्मीर का मसला मुतनाज़ मसला है आज एल ओ सी पर वायलेशन हुई है दुनिया उससे आँख नहीं चुरा सकती अगर दुनिया ये कहती है कि यह दो तरफ़ा है ये फ्लैश पॉइंट बन सकता है ए न एरिया जहाँ के दो न्यूक्लियर पार्ट स्टेट्स हैं आमने सामने हैं दुनिया लात्लुक़ दुनिया को नहीं रहना चाहिए हिंदुस्तान को बता देना चाहिए कि यह गलती न करे और हम बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हैं बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन अपने असूली मौके से पीछे नहीं हटेंगे आप क्या जवाब देंगे जब वो कहते हैं कि हमारे पास तो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन है या हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तानी इलाकों में और वो कोल्ड स्टार्ट के ऊपर इसके अलावा अजीत दोवल धमकी देता है कि पाकिस्तान के अंदर जो फॉल्ट लाइन है उसको एक्सप्लॉइट करें इनके अंदर ऐसा इंतार पैदा करें कि संभल ना सकें उसका भी तो जवाब हमारी तरफ से तगड़ा जाना चाहिए पंद्रह पंद्रह अगस्त को नरेंद्र मोदी ने बलोचिस्तान का तस्करा कर रहे हमारे प्रोविंस का उसका कोई बड़ा तगड़ा जवाब यहाँ से भी जाना चाहिए साहब हिंदुस्तान अगर समझता है कि उनके यहाँ फॉल्ट लाइन्स नहीं हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी ग़लत फहमी है कम अज़ कम पंद्रह ऐसी इंसर्जेंसीज़ हैं जो हिंदुस्तान में हमें दिखाई दे रही हैं हिंदुस्तान में तो इतनी तकसीम है इतनी तकसीम है जिसका कि शायद उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है आज हिंदुस्तान के अपने लोग उनकी मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसी से बिल्कुल नाखुश दिखाई दे रहे हैं मकबूज़ा कश्मीर की हुकूमत नाखुश दिखाई दे रही है अवाम छोड़िए आज उनकी अपनी अपोजिशन मेन पार्टी कांग्रेस जो है वो उनके साथ हम कलाम होने के लिए तैयार नहीं हो रही हिचकचाहट महसूस कर रही है क्योंकि वो समझते हैं तो ख़ुदकुशी का रास्ता अख्तियार करने जा रहे हैं ये तो हिमाकत करने जा रहे हैं और ये रास्ता नहीं है ये ज़बान शाइस्त ज़बान नहीं है हमने बिल्कुल वाज पैगाम देना है कि अगर उन्होंने अगर उन्होंने बलोचिस्तान बलोचिस्तान का और मकबूजा कश्मीर का क्या मवाजना है वो एक तारीख़ी उसका पस मंज़र है बलोचिस्तान तो हमारा हिस्सा था है और अल्लाह के फज़ल करम से हाँ वो इंसर्जेंसी को हवा देने की कोशिश कर रही है वहाँ पुष्ट पनाई कर रहे हैं रॉ अगर वो अपने मजमूम अजायम वहाँ फैलाना चाहती है तो पाकिस्तान के पास बेपनापरचुनिटीज़ हैं लेकिन हम बे वक्त उसका इजहार नहीं करेंगे देखिए कुलभूषण यादव का मामला हो या बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी को हवा देने की बात हो अगर पाकिस्तानी एक रहनमा नवाज़ शरीफ साहब एज़ प्राइम मिनिस्टर क्योंकि वहाँ तो मोदी ने यह सारी चीज़ की है इमरान ख़ान या शाह महमूद कुरैशी भी जिक्र करें कि ख़ालिस्तान वालों आ जाओ मैं वीज़ा तुम्हें देता हूँ या वो कहें आसाम वालों इधर आ जाओ मैं वीज़ा देता हूँ नक्सल बाग़ियों को दावत दें तो इंडिया का क्या रद्दमल होगा एक लीडर को क्या यही ज़ुबान बोलनी चाहिए मैं समझता हूँ कि वो गलत ज़बान बोल रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा तबका है जो इस ज़बान का साथ नहीं दे रहा हमने ज़िम्मेदाराना बात करनी है लेकिन ज़िम्मेदारी को कमज़ोरी ना समझा जाए हम बिल्कुल उनकी सर्जिकल स्ट्राइक्स का जवाब भी दे सकते हैं हमारे पास हम डिप्लोमेटिक लेवल पर भी पॉलिटिकल लेवल पर भी हम उनका जवाब दे सकते हैं और अगर हमारी वफाकी हुकूमत ने इसमें कोई कमज़ोरी दिखाई तो मैं आज कह रहा हूँ कि कल हमने फ़ैसला किया आज हमारा मशावरती इजलास था जहाँ हमने करप्शन के ख़िलाफ़ कौम को दावत दी है कि कल रायन इकट्ठे हों वहाँ हमने फ़ैसला किया आज के इजलास में कि कल हम दो पैगाम देंगे एक पैगाम वज़ी अजम पाकिस्तान को देंगे और एक पैगाम हिंदुस्तान के वजीर आजम को देंगे। और जो मुक्का लहरा के आपने पैगाम दिया है मेरे ख्याल में वो पैगाम है जो पाकिस्तानी लीडरशिप को लाउड एंड क्लियर देना चाहिए कि जो पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो फिर ये जो हमारे जवान मुक्का लहरा के दिखाते हैं आप भी वो मुक्का लहरा दीजिए एक दफा दोबारा हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया अगर इस हाथ को झटका गया तो यह हाथ मुक्के में भी तब्दील हो सकता है ये वो मुक्का है जो हमें दिखाने की दिखाएंगे। खाने दिखाया था। नहीं टेकेगी तुम्हारी जाहिरियत का मुकाबला करने की हमें सलाहियत है कल जो आप रैली कर रहे हैं नून लीग के बाद लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस देखें तो इन चैलेंजेस में आपको यह रैली करनी नहीं चाहिए थी इसके ऊपर आपका क्या मैसेज मैं समझता हूँ कल सुनहरी मौका है पूरे पाकिस्तान का एक नुमाइंदा इजलास होगा और उस इजलास में एक सुनहरी मौका है कि पाकिस्तान का मौक़ पाकिस्तानी कौम का मौक़ पाकिस्तान के खुददार लीडर इमरान ख़ान का मौक़ कौम के सामने जाए हिंदुस्तान के सामने जाए नरेंद्र मोदी के सामने जाए उनको हम पैगाम देना चाहते हैं हम अगर वो हमारी तरफ मेली आंख देखेंगे तो हम साड़ियों के तोहफ़े नहीं देंगे हम गुलाबी रंग की पगड़ी अपने सर पे नहीं बांध देंगे हम उसी ज़बान में बात करेंगे जो जबान आप इस्तेमाल करोगे फ़ौज के जो जवान हमारे फ़्रंट लाइन के ऊपर डिप्लॉयड है मोर्चों के ऊपर दूसरी तरफ से फायर खुला हुआ है उन जवानों के साथ हमारी इस कौम के बेटे हैं आपके बेटे हैं मेरे बेटे हैं इनके बेटे हैं उनको क्या आप मैसेज देंगे कि उनके साथ हम खड़े हैं उनको यकजहती के लिए हमें फ़ख्र है उन पर हमें उनकी हमें उनकी शहादतों का एतराफ़ करते हैं वो हमारे पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र बेटे हैं पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और इन शाह हमें उन पर पूरा एतमाद है वो दिफा की सलाहियत रखते हैं और जब सिपाही लड़ता है तो कौम की जब उसको पुष्ट पनाही होती है उसके जज्बा जो है वो दुगना हो जाता है आज पूरी कौम उनके साथ खड़ी है और इन खड़ी रहेगी और पार्लीमान का इसके ऊपर क्या रोल होना चाहिए सियासी मैदान से भी तो इसका जवाब आना चाहिए और पार्लीमेंट से बड़ा इस पर फोरम है नहीं है मैं समझता हूँ कि पार्लीमान से बिल्कुल हमारा बड़ा वाज़ पैगाम जाएगा हिंदुस्तान को वाज पैगाम जाएगा हमारे इंटरनल डिफरेंसेस सौ हों जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है उस पर हमारा कोई डिफरेंस नहीं है कश्मीर का ताल्लुक हो हमारे पानी का मसला हो हमारी आ, हमारी सरजमीन का हमारे जोग्राफे का मसला हो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन का इशू हो सर्जिकल स्ट्राइक्स की अगर बात की जाए कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की अगर बात की जाए तो सबका तोड़ भी है और जवाब भी है आज शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी रैली छोड़ के यहाँ पर आए हैं इन सब से इजहार यकजहती के लिए और पाकिस्तान के लिए एक पैगाम देने के लिए शाह साहब साथ साथ अगर मैं आपसे गुफ्तु भी करता चलूँ सियासी मैदान के अंदर आपका जो जलसा है क्या इस कौम को इकट्ठा करने का सबब बनेगा राइवन रैली जो है इसको इकट्ठा करेगी नेशनल इशूज़ के ऊपर या कोई ऐसी चीज़ देखते हैं कि जो इंतशार की जानब ले जाएगी इन कौम को यकजा करेंगे करप्शन के ख़िलाफ़ कौम को यकजा करना हमारा मकसद है और हिंदुस्तान की जो ये वर्बल जहरीत हमारे ख़िलाफ़ शुरू हो चुकी है जो आपने देखा कि अव मतहद के अजलास मुतह, से शुरू हुई जो आपने देखा कि जो साख समिट है उसमें रखना अंदाजी की शक्ल में सामने आई आ, आपने देखा कि जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी को कॉन्ट्रोवर्शल किया जा रहा है हम इसका जवाब बिल्कुल देने की सलाहियत रखते हैं और इस पर हम पूरी कौम को मुतफ़ करेंगे और इन शाह कल हम कौम को यकजहती का पैगाम देंगे अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करेंगे और कौम को वो एतमाद देंगे जो हमारी क़्यादत देने में हिचकचा रही है क्यों आप समझते हैं कि क्यादत हमारी इस इशू के ऊपर हिचकिचाहट का शिकार है क्योंकि तकरीर जो एन जनरल असम्बली में प्राइम मिनिस्टर की मेरे ख्याल में अच्छी थी मतवाजन थी बड़े इशूज़ उन्होंने उठाए लेकिन जो मोदी ने और सुषमा ने जो लेवल इख्तियार कर लिया है शायद हमें उसके बढ़कर ज़्यादा मजबूती के साथ कुछ और बातें कहने की ज़रूरत है मैंने सब देखिए कश्मीर का जहाँ तक ताल्लुक़ है उन्होंने तकरीर में उसका जिक्र किया और मुनासिब किया और मैंने आपको आपके में है कि मैंने कहा मैंने उसको सराहा भी और एक जगजहती का पैगाम दिया लेकिन उस तकरीर के बाद आप देख रहे हैं कि वहाँ तसलसुल से टेंशन में इजाफा किया जा रहा है और हमारी क़्यादत लंदन में क़्याम कर रही है और जिस एजेंसी का मुजाहरा उन्हें करना चाहिए था जी जिस तरीके से उनको यहाँ नेशनल लीडरशिप को यजा करने की एक एफर्ट करना चाहिए था उसका फक्तान है उसका कोई एफर्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा क्या जॉइंट सेशन ऑफ़ पार्लियामेंट ऐसे मौके के ऊपर जब आपकी मुल्क की सिक्योरिटी सलामती अंडर थ्रेट हो वो पानी बंद करने की धमकियाँ दे रहे हो कोल्ड स्टार्ट की धमकियाँ दे रहे हो सर्जिकल स्ट्राइक की धमकियाँ दे रहे हो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्या वो इसका एक अच्छा हल नहीं है बड़ा मुनासिब हल है पार्लियामेंट आपका एक मुंतब इधारा है और जॉइंट सेशन की तजवीज़ मैंने आ, जेरे गर्दिश है मैं समझता हूँ कि वो इजलास बुला लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है और एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्लियामेंट का मैसेज जो है वो दुनिया को जाना चाहिए और दुनिया उस मैसेज को सोचेगी और उसको समझेगी एक और जो हम चैलेंज है इस पानामा वाले इशू के ऊपर या राइवेंट जाने के इशू के ऊपर अपोजिशन जमातें बिखर गई हैं आपके साथ खड़ी नहीं हुई लेकिन ये इंडिया वाला एक ऐसा बड़ा इशू है कि पाकिस्तान की सलामती को खतरा दरपेश है अब जब आपने रायवेण रैली के ऑब्जेक्टिव दो कर दिए हैं एक तो आपका एहतसाब का इशू है और दूसरा पाकिस्तान की सलामती का इशू है क्या इस पाकिस्तान की सलामती के ऊपर दोबारा अपोजिशन जमातों को दावा दे सकते हैं कि आपके साथ रायवेण में एटलीस्ट नुमाइंदगी की खातर खड़े हो जाएँ कि एक मैसेज जाए जी बल्कि साहब पहली बात तो ये है कि रायविड आ, का जो बात है जहाँ तक पैनामा का ताल्लुक़ है करप्शन का ताल्लुक है उसमें बहुत सी सियासी जमातें बिखरी नहीं हैं वो हमारे साथ हैं लेकिन अभी वो शायद अमली मैदान में निकलने से हिचकचाहट महसूस कर रही हैं मैं आज फिर वाघा बॉर्डर से उनको दावत देता हूँ कि चलिए आप पानामा के इशू पर आपकी कोई रिजोवेशन हो सकती हैं हमारी नहीं है हम समझते हैं बड़ा एक जायज़ मौक़ है और पूरी अपोजिशन इस पर मुतफ़ दिखाई दी और वज़ी अजम ने अपने आप को एतसाब के लिए पेश भी किया पार्लियामेंट के फ्लोर पर पे पेश किया लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो मुनासिब वक्त अभी नहीं है तो आज जो नरेंद्र मोदी जो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है तो क्या ये मुनासिब वक्त नहीं है कि सब वहाँ आ जाएं, राय में आ जाएं और इजहार यकजहती करें और वहाँ से यक सबा होकर एक कौम बनकर हम हिंदुस्तान को पैगाम दें दावत देंगे बिल्कुल दावत दे रहा हूँ कि आएँ पाकिस्तान के लिए आएँ पाकिस्तान की यकजेहती के इजहार के लिए आएँ शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाला और तमाम सियासी सरगर्मियाँ छोड़ी और यहाँ वाघा बॉर्डर के ऊपर हमारे साथ और इन पाकिस्तान के जवानों के साथ खड़े हैं आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू मलिक साहब बहुत शुक्रिया दोबारा खुश आमदीद कहते हैं अड्डा प्लॉट जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली करनी है और यहाँ पर बहुत सी अनाउंसमेंट्स हैं और ये यह... भैया अनाउंसमेंट वाले रुक जाओ <laughs> यहाँ इतना शोर है कि आई होप कि आप मेरी आवाज़ सुन पाएं यहाँ बहुत लाउड म्यूजिक भी था जिसको हमने प्रोग्राम शुरू करने से पहले थोड़ा कम करवाया है लेकिन बहुत सी अनाउंसमेंट्स भी हो रही हैं हम कोशिश करेंगे कि अनाउंसमेंट का सिलसिला थोड़ा कम करवा सकें जिस बुलंद आवाज में इसमें डी जे वाली ऐसा की छुट्टी हो गई जी डी जे वाली नीलम असलम मेरे साथ हैं और हमजा बली हमजा अली अबासी मेरे साथ हैं हमजा अलीबासी स्टार हैं आज के शो के जब तक इमरान नहीं आ जाते फिर ये मान पड़ जाएंगे हाँ जी बिल्कुल जी ऑब्वियसली इमरान आ रहे हैं यहाँ पे अभी बिल्कुल कुछ देर में खान साहब आएंगे कल के इरादे क्या हैं आपके देखिए कल के इरादे बड़े है, सिंपल है नतीम भाई के करप्शन है पीटीआई का इशू नहीं है पूरे मुल्क का इशू है फॉर वंस लेट्स राइज अब जो हमारी पार्टी एफिलियशन है उनसे बाला तर रोके चाहे पी टी आई हो चाहे पी 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 हो कोई भी पार्टी हो हम डिमांड करें कि हमारी तमाम पोलिटिकल लीडरशिप का एक दफा एहत करें ताकि जो नोशन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सब करप्ट वो खत्म हो लेकिन इट हैज़ टू स्टार्ट फ्राम द घर का सरबरा विच इज़ नवाज शरीफ ये नवाज शरीफ से ही शुरू होगा तो आप किसी और का एसाब करने के काबिल होंगे उसके खिलाफ एविडेंस आ चुका है पैनामा लीग इज नॉट इल्जाम जो नवाज शरीफ के खिलाफ तो है आपका आपकी रैली से वो शुरू हो जाएगा दे दे दे। आप आगे भुण नहीं भुण अभी आ, आ, आ सकते काफी जैसे, हाँ। हाँ। आप देख रहे देखे रैली से एक आवाम की आवाज होती है जैसे आइसलैंड में रैली निकली तो वो लोग उन्होंने क्या कर लिया रैली निकाल जमहूरियत में यही होता है अगर आपको बेहतर तजवीज़ देते हैं कोई गुरैला वॉरफेयर हम शुरू कर दें या आर्म स्ट्रगल शुरू कर दें ये तो नहीं हो सकता जो कुछ खुफ़िया बातें हैं वो नीलम बताएंगी आ, ये जो नीलम इन्होंने जगह अरेंज की है ये कैमरा अगर दिखा पाए ये जगह बहुत छोटी है नैरो प्लेस है और एक तरफ तो खुतन की जगह काफ़ी मुनासिब है आई होप कि इसमें वो आ जाएँ धक्कम पेल ना हो नीलम इस पर रोशनी डालेंगी लेकिन पीछे वो जो रोड नजर आ रही है जितना क्राउड आएगा जो इनका ख्याल है कि बहुत अनप्रेसिडेंट क्राउड होगा

वहाँ से शुरू हो जाए जहाँ पे आम पब्लिक ने आना है जहाँ पे कारकुन ने आना है वहाँ पर हमें ना सिक्योरिटी के उस तरह से इंतजाम दिखाई दे रहे हैं ना ही हमें कोई रजाकार दिखाई दे रहे हैं खड़े कहाँ होंगे पहले ये बताए लोग, लोग तो कुर्सियाँ तो बहुत ही कम रखी गई है लोगो ने जिसने भी आना है उसने खड़े ही होना है और गाड़िया जो है वो भी यहाँ तक आने की कोशिश करेंगी लोग भी यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज्यादा एक मैसी ये बहुत लंबी रोड है जिससे हम अंदर आए हैं और ज्यादा इम्कान ये है कि ये रोड मियाँ साहब के घर की तरफ ही इनको पी टी आई वालों को लेके जाएगी हमजा अली बासी ने कोई साजिश प्लान की हुई है जिसका इन्होंने बताया नहीं है क्योंकि ये जो पीछे वाली जगह है दो तीन हजार से ज्यादा तो बंदा इसमें समायेगा नहीं साथ बाकी साथ लोग आपको बता देते हैं आप इनसे पूछ लेंगे इन्होंने क्या प्लान कर रखा है क्योंकि हमें देख के बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि जैसे लोग आएंगे वो कहाँ पर खड़े होंगे कहाँ जाएंगे गाड़ियाँ भी वहीं हैं कुर्सियाँ भी वहीं हैं लोग भी वहीं हैं इस बार एक बार फिर से खुदा न खादा भी तो कल राइवेट मार्च हो रहा है कि कोई बदनसमी हमें कल देखने में आ सकती है क्योंकि इतने अच्छे इंतजाम सेटिसफेक्ट्री वहाँ के नहीं है यहाँ स्टेज तक के बड़े अच्छे इंतजाम हैं लेकिन यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ इतनी कुर्सियाँ लगा दी हैं कि मुझे लगता है स्टेज पर आने के लिए काफ़ी ज़्यादा नीचे लड़ाइयाँ होने वाली हैं कवर आपने करना है मैंने तो भाग जाना है क्या करेंगी हम लोग तो हमने अपनी जगह मुख्त कर ली है और वैसे भी हम हम फैसल, फैसल फैसल को बुलाएं जरा ये हमजा के साथ साथ फैसल फैसल से भी बात करते हैं फैसल ये जो पीछे जगह है भैया ये जो अनप्रेसिडेंटेड क्राउड आने वाला है वो किस जगह ठहराएंगे उसे ये तो फैल जाएगा पूरा हाँ पर, पूरा लाहौर भर जाएगा ये, ये रही जाएगा फिर जगह तो हमेशा हमें कम पड़ जाती है हमारे जगह तो है ही कम मेरे भाई ये 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 जगह पीछे तक पीछे तक रोड है और पीछे मैं अभी आया हूँ रोड पे होंगे लोग सारे लोग रोड पोते लोड़ ये रोड जाती है ये जाती है आप भी उम्र भी जाके रुकेंगे आ, नहीं जी देखें, कभी हमने नहीं ये रोड जाती उधर है मेरे भाई तो, पीछे हम, तो बंदे आएंगे नहीं। तो हम तो यहाँ पे बैठे ये जो है ना जलसा प्लस खान साहब ने कल कहा ये अगर, मुझे कल पता अगर, नहीं था तो चला आज मुझे प्लस समझ आ इतनी लंबी लाइन लगती है कि लोग जाती उम्र पहुँच जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल उनको निकालने का को है अगर किसी घर तक कोई बंदा आके बैठ गया तो उसको निकाल तो नहीं सकते नहीं जी रशीद साहब अपोजिशन लीडर बुलाई है मियाँ साहब आपकी जगह देख के थोड़ा सा खुली तो खुली जगह मीनारे पाकिस्तान जलसे करते थे ये तो जगह जो है ये है ही अड्डा बकायदा दस गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है आपने यहाँ जलसे की जगह रखी है बंदे कहाँ यहाँ से कई किलोमीटर दूर खड़ी होगी यहाँ लाखों की तादाद में बंदे बंदे होंगे बंदे खड़े कहाँ होंगे बंदे ही। ये पिंडाल है बहुत बड़ा पंडाल है दिखाई जी कैमरे से दोबारा दिखाईगा मुझे शायद गलत फहमी हुई है ये नीलम हमारी चक्कर लगा के आई है सारी काउंट करके आई ये है। जो आखिरी लाइट जल रही है आखिरी लाइट जल रही है। सारी रोड के ऊपर है जी सारी रोड के ऊपर है इसके दाएं बाएं सारा क्राउड हो और ये रोड कहाँ जाती है ये कहाँ जाती है, है। जाति उमरा को जाती, जाती को जाती है तो ये असल बात दिल की बात ये है फैसल साहब मिया साहब और हमदा अली वासी साहब या आपने अभी इब्रार को भी बुलाना है तो पैसे लुटवा दें तो यही काम करेंगे आप देखें जी ऑन ऑन सीरियस नोट हमारी आर्मी बॉर्डर्स पे लड़ रही है हमारी आर्मी फौजें जो होती हैं वो हथियारों से जंग लड़ती हैं जो सिविलियन लोग होते हैं उनका काम होता है अपने मुल्क को मज़बूत करना और मुल्क कब कैसे मजबूत होगा अगर यहाँ पे करप्शन होगी उसको आप पकड़ नहीं सकते इसके खिलाफ सबूत आया हुआ आप अगर खुद बताएं नदीम भाई ऑनेस्टली अगर आज नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं होता ऑन द पैमल लीक्स विच इज़ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस आप किसी और का एहतसाब किस मुंह से कर सकते हैं आप मुझे बता दें एहतसाब होना चाहिए दो राय है ही नहीं है सबका तो होना चाहिए डिमांड तो करते हैं कि खान साहब का हो महमूद रशीद साहब का हो मेरा हो फैसल का हो तमाम पी टी आई की क्यादत का हो पी 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 की क्यादत का हो हर पॉलिटिशन का एतब हो लेकिन इट हैजू स्टार्ट फ्राम नवाज शरीफ अगर आप नवाज शरीफ से शुरू नहीं करते तो आपके पास इखलाक जवाब ही नहीं आप किसी और मुख्तलिफ करेंगे इस जलसे में जी के मियाँ साहब मजबूर हो जाए आपकी बात हो कल सुबह ही जो है सारा उनका पानामा का एहतान शुरू हो जाए क्या ऐसा कमाल देखिए मियाँ साहब को बिलाकर आज या कल ये पनामा लीक्स के अंदर अपने आप को पेश करना पड़ेगा मैं ये समझता हूँ कल के एवेंट के बाद प्रेशर इतना बढ़ेगा तमाम और रियाती अदारों के ऊपर भी और ख़ुद मियाँ साहब और उनकी फैमिली के ऊपर भी कि ये इसमें थोड़ी देर तो हो सकती है लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये मामला डेड हो जाए और मियाँ साहब जो है ना वो, वो उसमें से ईज आउट होकर दो हजार अठारह का इलेक्शन मजे से करवाएं करवाएल इसमें पी टी आई ने बड़ा सोच समझ के फैसला किया है इस इशू को डेड नहीं होने देना ये हमारे दो हजार अठारह से पहले मियाँ साहब से दुआ करना चाहते हैं आप बिल्कुल करना चाहते हैं हम तो कहते हैं कि पूरी कौम को उन्होंने कहा कि जी मैं अपने आप को एहत के लिए पेश करता हूँ पेश कर दें हमारी तो लड़ाई यही है मैं इनसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ चूंकि इमरान खान साहब ने कहा कि मोदी को भी एक पैगाम देंगे कल तो फिर तो आप लोगों को मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को भी बुलाना चाहिए इनवाइट करना चाहिए कि वो भी यहाँ पर आए और पूरी कॉम मिल के मोदी को एक पैगाम करप्शन बताइए देखें ये मुस्लिम के वर्कर्स ने जो से पंद्रह दिन पहले यहाँ पर जो कुछ किया है उसके बाद इसकी कोई गुंजाइश रह जाती है बाकी जिस तरह से गंडासे कुड़िया मेयर साहब वो चार छह लोग थे आप उनको दावत है नीलम ने अच्छी बात की है यूनिटी दिखाई है आप भी आओ हमारे साथ मोदी को पैगाम देते हैं जी कल ये इमरान खान ये कहेंगे ना इमरान खान को इमरान खान इसको नवाज शरीफ को कहेंगे कि अपने आप को पेश करो और फिर पूरी कौम जो है वो तुम्हारे साथ है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और हम लड़के मोदी हाँ। को पैगाम बिल्कुल और नून लीग की कई एम एन एस है और एम पी एस है जिनकी फैमिलीज हमारे जलसों में आती हैं कौन और कौने? कल नाम कर, नहीं नाम नहीं बता सकता लेकिन आ, कल भी आप देखेंगे फैमिली के ऊपर उनकी फैमिली कल भी आएंगी जलसे में और एम एन ए अगर कोई तो पूरा घर तहरीके में एक वो बेचारा एम एन ए नू लीग में काफ़ी ज्यादा नाम है जो अभी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं हमसे उनकी फैमिलीज कि वो जलसे में आना चाहते हैं तो नून लीग के लोग भी हमारे जलसे में शिरकत करेंगे कल पैगाम क्या देंगे देखिए जी पैगाम तो वाजह है करप्शन के खिलाफ जहाद है ये करप्शन के खिलाफ जो जहाद है जिसे अकेले इमरान खान लड़ रहे हैं अकेले जलसा खत्म करके चले जाएंगे घरों घर ही चले जाएंगे क्या करें? ये मैं आपको बताता हूँ ये तो तो आपको पता चलेगा कल कि आगे होगा क्या आगे होगा क्या जी, जी हाँ तो ये कल डायलॉग बोल रहे हैं डाय नहीं ये आपको पता है कल ये सस्पेंस है कि आगे क्या होगा ये इनशाला इमरान खान अपनी तकरीर में बताएंगे कि नेक्स्ट एक ब्रेक ले लें नीलम बिल्कुल यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का आप हमारे साथ रहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ उनकी जो विमेन पार्टिसिपेंट्स हैं एम भी हैं और उनकी पार्टी ऑफिस बेरर्स भी हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं सामने क्राउड भी अच्छा है अभी आज रैली नहीं है अच्छा नंबर है लेकिन ये जगह छोटी है जो मैंने पहले कहा इसलिए आपको अच्छा क्राउड नज़र आ रहा है मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं उनका नाम बता दूं डॉक्टर नौशीन हामिद हैं जुनैरा मलिक हैं रहीला अनवर साहब हैं फातिमा चदर हैं और शुएब सदीकी साहब हैं जिन्होंने अभी वन के नीचे एम का इलेक्शन दोबारा जीता है शुैब साहब कल क्या करेंगे आप पहले आप ही बता दें जी बिस्मिल नदीम साहब एक तो मैं कहूंगा जो आप जगह छोटी कह रहे हैं ये कम से कम दो से तीन लाख लोगों का जलसा गया है अभी आपको कम कितने बंदे आएंगे कितने बंदे लाखों का मजमु होगा जो काउंट नहीं हो सकेगा अभी ये गाड़ियां खड़ी हैं अभी ये गाड़िया निकल जाएंगी चेयर्स लग रही हैं आपको पता चलेगा कि ये जगह जो कि कजलबाज चौक से यहां तक आती है इस जलसा गाँव के अंदर अगर पूरा भरे तो ये पाँच लाख से ऊपर कितनी चेयर चेयर कितनी लगाएंगे चेयर तो ये फिर प्रवेश ऋषि साहब से पूछे कि हमने कितनी कुर्सियाँ लगाई वो तो कहेंगे पांच हजार बस उन्हें कहें कि आगे गिन के बताए ना कि पांच हजार है या नहीं है मैंने आपको बताया कि मजबूत कितनी ले रहे हैं जो कि सच सच तो ये कि भी भी तो पर... नहीं बताइए तादा, तादा। तादाद आप इनशा देखेंगे क्योंकि हमारा पूरा कैरवन चला है सिंध से और इनसे कितनी खबर सिंध से खात की दो बसेस भर के वहाँ से लोग चले हैं और ये बहावलपुर अभी क्रॉस करके अभी आ रहे हैं इन कल अगर इन्होंने आपको धक्के मारे तो आप इनको धक्के मारिएगा ये मेरा मैसेज है आपको छोड़िएगा नहीं ना आप बताइए आप लाहौर से कितने लोग लेके आ रहे हैं जी लाहौर से तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी तादाद है और उनकी पार्टिसिपेशन आप आज ही से देख रहे हैं आ, बहुत खुवा भी मोटिवेटेड हैं और आप कल फैमिली क्राउड बहुत बड़ी तादाद में देखेंगे क्योंकि हमारी जिस किसी से बात हो रही है सब अपनी फैमिलीज के साथ आने के लिए फैमिलीज आपके तमाम जलसों में आती थी और ये स्ट्रेंथ थी पी की लेकिन जो दो जलसों में धक्कम फैल हुई अब ये इंतजाम तो है लेकिन कल क्या गारंटी है कि यहाँ धक्के नहीं पड़ेंगे बिस्मिल्लिम देखिए जी कोशिश तो बंदा पूरी कर सकता है ये है समझाया मीना जी जरूर समझाया ट्रेंड भी किया हमारी अपनी जो फोर्सेस हैं आईटीएफ है आईएसएफ आई है यूथ है हमारे माशाल्लाह लड़के सिक्योरिटी का बहुत अच्छा अरेंजमेंट और हमारे शुेब साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक सवाल पूछ लूँ कल क्योंकि लाहौर से और मुल्क भर से खुतिन की एक बहुत बड़ी तादाद आएगी पिछले से जो पिछला जलसा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसे मनाजिर भी थे जो हमने ऑनियर नहीं किए थे इस हद तक बदतमीजी हुई थी खातिन के साथ उस पर भी बैठी थी लेकिन आज तक नहीं पता चला कि कौन जिम्मेदार था कौन बताएगा रिपोर्ट जो वो रिपोर्ट थी उसके अंदर एफ आई आर दर्ज हुई और इंतजाम ने ये कहा की जी उनकी जो तस्वीर है वो नादरा के दफ्तर में भिजवा दी गई है हम इसको बताएंगे हंड्रेड परसेंट मुस्लिम लीग नून के लोग थे हमने मेन्शन किया और जो वो खुतन भी थी आज तक हमारे जलसे में कभी नहीं आई ये इंतजामिया क्या है जब उनकी तस्वीरें सामने आ गई हैं तो नादरा से डाटा आज तक क्यों नहीं बाहर निकला है उन लोगों ने हमारे जलसे को ख़राब करने क्योंकि खातन और यू थी तो पी टी ए की स्ट्रेंथ है और एक प्री प्लान तरीके के साथ जो क्या है कि वहाँ पर हरासा किया गया और जो खुतन के साथ बदतमीजी हुई है वो जलसा घा के अंदर नहीं हुई जब खुतन वापस जा रही थी नहीं था वो ये हमारी नीलम असलम ने कल आपका जलसा कवर करना है पहले जलसे में भी हालत देख चुकी हैं तो कल अगर इनको धक्का कल इनको धक्का पड़े तो आपकी कवरेज बंद ये एडवांस में बता रहा हूँ जी लास्ट हमारा जलसा जो हुआ है कराची में नेश्तक पार्क में आप उसमें जो हमारा खुतिन का इंक्लोजर था वो बहुत ही हम हम लोगों ने इतना सेफ बनाया हुआ था और आज का भी आप देख सेफ इसलिए था कि वहाँ बंदे में उंगलियों पर गिन सकता था अगर बंदे ज्यादा हो गए तो अब इसका जवाब मैं आपको दूंगी देखें जो आप पिछले से पिछले जलसे की बात कर रहे हैं आपको पता है कि अब पी का फ्लैग या कोई गड़े में पटका पहन के आ जाता है तो किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ ना और दूसरी बात यह कि हम अपनी औरतों को क्यों तक जी मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि ये तो बहुत जो हमारे इतने बड़े बड़े जलसे हुए उनके आगराँ सामने कैमरामैन को भी जगह दे दें तो वो साथ साथ दिखाता भी जाएगा थोड़ा सा मैम जिन रैलियों की और जिन जलसों की आप बात कर रहे हैं तो जो उससे पहले इतने बड़े बड़े जलसे हुए हमारा धरना हुआ और उस दौरान आप देख लें इतने दिन वहाँ ख़वात बैठी रहीं तो वहाँ पर ये कुछ नहीं हुआ तो कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये प्री प्लैट था और ये जान के ये सब कुछ किया गया बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों का शुक्रिया बिल्कुल एंड पे हूँ नीलम आप बताइए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है रैलीज़ के लिए मूड अच्छा है लाहौर में इमरान घूम रहे हैं जो इस दफ़ा उन्होंने मुख्तलिफ काम ये किया है कि लास्ट टू रैलीज़ के रिज़ल्ट देख के इस दफ़ा पूरे लाहौर में घूम रहे हैं मोबलाइज़ कर रहे हैं है तो है इस वजह से क्योंकि पूरे पाकिस्तान से काफिले आ रहे हैं तो जो पिछली कराची में रही है, तो है, है, तो है।, है। लास्ट टाइम उसकी वजह से शायद हो सकता है और फिर वो जो डंडा बर्दार फोर्स है उसके डर ऐसी कुछ ज्यादा लोग ना निकले लेकिन चूंकि मुल्क भर से काफिले आ रहे हैं तो आ जाएंगे यहाँ पे काफी बनेगी ये का इलाका है, बता सकते हैं। अगर हुआ तो फिर मैं गाड़ी चला के कल यहाँ तक फिर आ जाऊंगा अगर ये भरगी जगह तो फिर कितने लोग होंगे कि लाहौर मोबिलाईज हुआ फिर तो जगह भर जाएगी और अगर जगह बरती फिर मैं आपसे पूछता तो हूँ आप आप और आप इसे काउंट नहीं कर सकेंगे लाहौर है इस वक्त भी लोकल लाहौर के लोग यहाँ पर बैठे हैं बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो अभी नहीं है वो पहुंच रहे हैं चेयरमैन साहब गुजशत चार दिन से लाहौर में वो हर जो के एन के हल्के के अंदर गए हैं लोगों को मोबिलाइज कर दिया हुआ है लोग चार्ज हैं और कल जो के आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आवाम का टाटे मारता समंदर इस एहतिस और करप्शन के खिलाफ इमरान खान की कॉल के ऊपर निकल आया है और जो टेस्ट है टेस्ट है इस वक्त इमरान खान का इमरान खान ने किसी जलसे में अपने इलेक्शन पे भी चार दिन नहीं लगाए थे इस दफ़ा वो चार दिन से यहाँ बैठे हैं उन्होंने मुझे इंटरव्यू इस्लामाबाद देना था लेकिन वो वापस नहीं आए मुझे यहाँ आना पड़ा इंटरव्यू के लिए तो अब वो लाहौर घूम रहे हैं ज़रा दां दां और अगर यहाँ पर कल ये बताएगा लाहौर साबित करेगा 28 सितंबर की तरह जो, जो तारीखी जलसा मना रहे पाकिस्तान के अंदर हुआ था पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था और कल ये रिकॉर्ड रायमंड के अंदर टूटने के लिए प्लस क्या प्लस किसी को पता है प्लस दो लाख तीन लाख चार लाख पांच लाख प्लस के ऊपर बात करें पाँच लाख आठ लाख दस लाख दस लाख दस लाख दस लाख इन लाहौर तो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आप थोड़ा सा आगे हो जाए ये ये लाहौरन है मेरे साथ जो खड़ी है इनको धोखा देना आसान नहीं है तो नंबर जितने आएंगे हम इनसे पूछ लेंगे बिल्कुल आप इनसे पूछे और जो नंबर में उम्मीद करूंगा कि हमेशा सही कवरेज किया है और कल भी समा हक को लाइव दिखाएगा, दिखाएगा, दिखाएगा और मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा की सिर्फ जलसा गानी जहाँ से एक रोड शुरू होती है जो गजलबाग चौक है जो मोटरवे है जो टूल प्लाजा है वहाँ पर आप अपने कैमरे भेजे वहीं भेजने पड़ेंगे वहीं भेजने पड़ेंगे यहाँ से तो यहाँ तक कोई पहुंचेगा तो दिखाएंगे वहीं प्रोग्राम प्रोग्राम एंड पे आ रहे है। क्लोजिंग रिमार्क्स रास्ता बंद कर रहे हैं आपका तो अच्छा यार यहाँ गर्मी बढ़ी है नहीं आना ठंडी वाहक खाना क्लोजिंग रिमार्क्स नीलम क्लोजिंग रिमार्क्स ये है कि जैसे कि आज हमारे मुल्क में जो वाक पेश आए हैं दो हमारे जवान शहीद हुए हैं आ, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जलसा करे या कोई भी जलसा करे लेकिन सबसे पहला मुल्क मफाद जो है उसको मद्देनजर रखना चाहिए और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा चाहिए पाकिस्तान भाँ 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 पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान का नारा भाई पाकिस्तान पाकिस्तान से कोई बड़ा नहीं पाकिस्तान चलो पाकिस्तान पाकिस्तान दे दे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ ही प्रोग्राम यहाँ से एंड करते हैं नीलम और बाकी हमारे साथ ही स्पेशल ट्रांसमिशन जारी रखेंगे यहाँ हमारा स्टूडियो है स्पेशल जो आपको सारी अपडेट देगा दे यहाँ इमरान आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे गुफ्तु भी सुनवाए कल भी सारा दिन आपके साथ रहेंगे चले जी पाकिस्तान